शिव टाइम के सारे दर्शकों मेरा राम राम। मैं डिंपल वर्मा, अज मैं बिलावर च खड़ोते जीरो ग्राउंड की कवरेज लेइए मैं जिस जगह पर खड़ोते ना बिलावर टू कटली रोड की कवरेज करने का। ये मेरे पिछले तुम वीडियो के माध्यम कने देखने ये रोड जेका निकले ना ये कटली रोड निकलिया कम से कम 15-20-25-30 किलोमीटर दूर जेका उपर कटली लोग रोंदे ने पहाड़ी बगन के रोंदे ने लोअर बगन के लोग रोंदे ने। रोड निकलने की यह वजह है कि इन्हें लोगों भी जेका सिटी कने जोड़ा दिता जा, लेकिन पिछले 7-8 साल जेका ना इस रोड ना कोई ब्लैक टॉप होया और ना इस रोड की कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने ना इतों के कोई पोलिटिकल लीडर जेका उस रोड की दिखाया। आए दिन तुम दिखने जिस वेल भी इलेक्शन आदि तो उस वेल पोलिटिकल लीडर के करते इको ट्रेंड खेलते या तो पानी के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ते हैं या फिर रोड की कनैक्टिविटीज़ कने या फिर झूठे लाली पाप देंगे। मैं इको मैं गल दसना वीडियो माध्यम कने कि साढ़े देश की 75 साल को भी ज़्यादा ये आज़ाद हो गया तो जे अगर 7 साल की क्या सरकार या PWD डिपार्टमेंट कोई इंटर लगी पैसा नहीं है कि इसी रोड की अगर ब्लैक टॉप किया जा फिर कुछ इतों के स्थानीय लोग भी बोलते कि पता नहीं इस रोड का कोई ठेकेदारी की पेमेंट नहीं होती है तो उसकी वजह कने इस रोड की जी ब्लैक टॉप नहीं होते हैं। क्या ठेकेदारी की पेमेंट नहीं हुई या PWD डिपार्टमेंट की कोई अपनी कमी है तो फिर अगर गलतियां होंदिया तो जी आम जनता की जो भुगतना पौधा उस गलती का जो सामना करना पौधा तो उस जनता की के जनता की क्या गलती है उस तो वीडियो माध्यम कने तुम देखी जाने इस रोड के बच्चे मैं दसना कि इस रोड इन्ने ज़्यादा खड्डे पेदे ना अगर कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर की या पोलिटिकल लीडर की अगर इस न्यूज़ उपर आपत्ति है अपना वर्जन सारी दैनिक शिव टाइम की टीम के पत्रकार डिंपल वर्मा अगर भी देते कि क्या बिलावर का जेका रोड निकलिया है कटली की इस रोड की हालत जी है इंसान तो इंसान मेरी गल तो बेशक कोई भी पोलिटिकल लीडर चाहे वह गुस्सा कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर गुस्सा कर रहा है चाहे वह कुछ भी बोले लेकिन इंसान तो इंसान लेकिन जानवर की भी चलने इस रोड उपर जी ना बड़ी दिक्कत का सामना करना एडे एडे खड्डे पेदे इस जगह बच्चे। क्या इन्हें लोकें क्या कटली के लोकें या बगन के लोकें या इतों के जो प्हाड़ी इलाके के लोग इन्हें लोगों ने वोट नहीं दिते हैं इलेक्शन आने वाली क्या इन्हें वोट नहीं दिते भरी भरी बेटियां इन्हें वोट ही दिते हैं। क्या वो BJP पार्टी लाओ तुस या तुस कांग्रेस पार्टी लाओ या NCP पार्टी लाओ तो बड़े बड़े दिग्गज नेता जिन्हें भी इलेक्शन होती है बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उऐ नेता जेके इजे रोड की अगर ब्लैक टॉप नहीं कराई सकते तो उनका बेनीफिट की है लीडर का। अगर एक बच्चे अस एक स्कूल अस पढ़ने पढ़ने तो साले बाद अगर बच्चा फेल हो जाता तो उस बच्चे का स्कूल पाने का कोई बेनीफिट नहीं है क्योंकि रिजल्ट जीरो आता। इये सब पोलिटिकल लीडर का अगर पोलिटिकल लीडर अगर जिस वेल इलेक्शन आदि तो उस वेल इंटे को वोट भी लेते हबाज वोट लेने हबाज फिर इन्हें लोगों की अगर सुनवाई नहीं हुआ तो इन्हें लोगों अगर वो सुविधा जी नहीं मिले तो कल दिन कुछ जनता की निराशा का सामना भी करना पौता। मैं इतों के पोलिटिकल लीडर अगे और खास करके इतों की एडमिनिस्ट्रेशन अगे एक रिक्वेस्ट करना कि एक बारी तुस इस रोड उपर जरूर चलना बिलावर टू कटली का रोड है नी इस उपर रोड ड्राइव जरूर करनी 1500 मीटर के उपर गै तुसें पता लगे ना कि इस रोड की किन्नी खस्ता हालत है। क्या इयै दी रोड की हालत कुसै पोलिटिकल लीडर के घर बाहर भी है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के घर बाहर भी है नहीं है तो वह हालत जी वो एक आम जनता के घर बाहर जनता जनार्दन अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में दे दे कि बिलावर टू कटली रोड की हालत कनेही है और क्या पोलिटिकल लीडर इस वेल जीरो ग्राउंड उपर के करी जाते क्योंकि इलेक्शन आने वाली महीने 2 महीने 6 महीने बच्चे इलेक्शन आने वाली है इन्हें बड़े बड़े वादे भी करने हैं लेकिन वो वादे किन्ने हद तक सही होंगे ने किन्ने नहीं होंगे तो जनता जनार्दन अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद।